शहर पुलिस के अपराध शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर अजनी थाना अंतर्गत तलवार लेकर लोगों को डरा रहे एक तड़ीपार अपराधी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शहर पुलिस की अपराध शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर अजनी थाना अंतर्गत तलवार लेकर लोगों को डरा रहे एक तड़ीपार अपराधी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम धाड़ीवाल लेआउट अजनी निवासी विवेक और गोचा भीमराव डोफे बताया गया। गोचा पर विभिन्न थानों में 9 संगीन अपराध शामिल है। बावजूद इसके शहर में आपराधिक गतिविधि कर रहा था। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 3:45 पर क्राइम ब्रांच के गश्त दल को गुप्त सूचना मिली कि गोचा भगवान नगर में अग्रवाल हार्डवेयर के पास तलवार लेकर हुड़दंग मचा रहा और लोगों को जान से मारने की धमकियां देकर डरा रहा है। आनंद फानंद में क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची तो गोचा तलवार लेकर हंगामा मचा रहा था। पुलिस कर्मियों ने सबसे पहले तलवार छीनकर गोचा को कब्जे में लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से तलवार के अलावा एक धारदार हथियार समेत 1000 रुपयों का सामान भी जब्त किया है। आज 16 वाजता दरम्यान कार्यालयात हजर असताना माहिती मिळाली की एक जो तडीपार आहे विवेक गोचा भीमराव डोफे हा पोस्ट अजनीच्या हद्दीमध्ये तलवारीसह फिरून लोकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण करत आहे आणि तो आपल्या घरी आलेला आहे। तर या माहितीची आम्ही खात्री केली आणि त्याच्या भगवान नगर भागामध्ये आम्ही गेलो असता तो त्याच्या घराजवळील काही एरियामध्ये पटांगणामध्ये तलवारीसह आम्हाला दिसला। त्याला आम्ही मोठ्या स्थितापणे ताब्यात घेतलं, पकडलं आणि त्याला युनिट कार्यालय आणून कसून चौकशी केली। त्यांनी हे जे आपलं तडप तडीपार त्याला नागपूर ग्रामीणमध्ये केलेलं आहे त्याचा 2 वर्षाचा कालावधी असताना त्यांनी विना म्हणजे अनधिकृतपणे नागपूर शहरामध्ये येऊन त्याचा भंग केलेला आहे। त्यामुळे त्याच्यावर आम्ही 425, 142, 135 प्रमाणे कारवाई केलेली आहे। पुढील अधिक कारवाईसाठी त्याला आम्ही पोलीस स्टेशन अजनी यांच्याकडे हँडओव्हर केलेलं आहे। जांच में पता चला की गोचा एक तड़ीपार अपराधी है और उस पर करीबन 9 संगीन अपराध दर्ज है। वर्ष 2019 में ही अजनी थाने में उस पर 6 तथा एक मामला सेलू वर्धा में दर्ज है। इसके अलावा अन्य 2 अपराध भी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, BCN न्यूज नागपुर।